नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र व्यवसाय चैनल पर। कन्या राशि सेनापति मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 1 जुलाई से 18 अगस्त 2023 मचेगा बड़ा तहलका। दोस्तों, मंगल देव का महापरिवर्तन जी हां होने जा रहा है 1 जुलाई 2023 को। मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल ग्रह का इस परिवर्तन के दौरान। दोस्तों, हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, क्योंकि मंगल जो परिवर्तन कर रहे हैं वो शुक्र ग्रह के साथ युति भी बना रहे हैं, तो अति काम वासना योग भी बना रहे हैं, दुराचारी योग का निर्माण होगा, कई रिश्ते और घर तनाव में हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी भी राशि कन्या है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि के जातकों जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी होने वाली हैं जिनके यदि आपने पहले से जानकर नहीं सावधान हुए तो बहुत सारी मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आप देख रहे हैं, यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अब कन्या राशि को, आपका लग्न भी अगर कन्या है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों, मंगल देव का जो परिवर्तन है 1 जुलाई 2023 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 12वें भाव पे प्रवेश करेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सिंह राशि बहुत तेज राशि है। अब मंगल को देखें तो मंगल सेनापति कहा गया है ग्रहों में, साथ ही शुक्रदेव की भी युति बन जाएगी, यानी कि जिस राशि में मंगल देव रहेंगे उसी में 7 जुलाई को शुक्र ग्रह भी पहुँच जाएंगे, तो मंगल शुक्र की युति भी बन जाएगी आपके 12वें भाव पे। कन्या राशि को, आपके 12वें भाव पे मंगल शुक्र की युति बनेगी। तो मंगल चूंकि आग के कारक है और एनर्जी के कारक है, तो वहीं शुक्रदेव प्रेम सौंदर्य आकर्षण और काम वासना के कारक है। इन दोनों ग्रहों की युति जो बन रही है वो अब आने वाले यानी कि 48 दिनों तक आपके ऊपर रहेगी और शनिदेव की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो कन्या राशि वाले जातकों, ध्यान दें कि यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जब भी यानी कि आपको जो मंगल ग्रह है आपके 12वें भाव पे जाते हैं या इन दो ग्रहों की युति होती है तो क्या परिणाम मिलते हैं। इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति के काम वासना में बलवती हो जाती है, अधिकता आती है, यानी कि इस दौरान आपको कन्या राशि को बहुत ज़्यादा इनकी काम वासना बढ़ सकती है। अब इसके फल कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, मंगल देव की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में इन्हें सेनापति कहा गया है। मंगल देव आपकी राशि से यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 3रे भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल देव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप कन्या राशि को विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो यह युति आपको अथाह पैसा देने वाली है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही आपके लिए कन्या राशि को धन में वृद्धि होने के कई बड़े अवसर दिखाई देंगे। इसमें आपके लिए मंगल ग्रह का ये जो राशि परिवर्तन होगा, कैरियर में सुधार होगा, बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा, कई बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी परेशानियाँ हैं वो दूर होगी। बता दें कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का जो समय रहेगा, कई इम्पोर्टेंट फैसले, कई इम्पोर्टेंट निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, भागदौड़ में भी व्यस्त रहेंगे, कामकाज के मामले में विदेश जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो ये दौरान काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, उचित निर्णय डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। नज़दीक के किसी कारोबारियों से भी आपके संपर्क हो सकते हैं। साथ ही बता दें कि नई जॉब लग सकती है, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और साथ ही साथ बता दें कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अब काफ़ी विशेष रहेगा। आप नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो काफ़ी उचित साबित होगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी सराहनीय होंगे,
प्रत्येक क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही जगह से आपको धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। कुछ ऐसे कार्य भी बनेंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे, यानी महत्वपूर्ण सफलताओं के साथ साथ अनेक जगहों से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि अब इसमें विवाद किसी से हो सकता है या फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कई मामलों में आपको यानी कि उथल पुथल देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है एक उग्रेसिव ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे लेकिन तनाव की स्थिति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले कुछ बढ़ सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ सकता है। यात्रा करते हैं विदेश की तो अपनी कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करें। सेहत को लेकर अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही करते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं इस समय, क्योंकि इस समय कई मामलों में आपको समस्याएं आ सकती है, कई मामलों में मचेगा बड़ा तहलका। बता दें कि इस समय जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए काफ़ी उचित साबित होगा। घर परिवार के लिए इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजन ले सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, सुलझे मुद्दे सुलझेंगे। साथ ही इस समय जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर का निर्माण कर सकते हैं और विदेश से आपको धन लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, विवाद हो सकता है और साथ ही अगर कोई पुराने केस वगैरह चल रहे थे, समस्याएं जैसे कि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो उसमें उलझते हुए नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि इसमें आप किसी को उधार पैसा ना दें, किसी से बहसबाजी ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और वाणी पर संयम बरतें, बेवजह किसी से विवाद ना करें। बता दें कि इसमें आप राजनीतिक मसले हल होंगे, समाज में भी आपको थोड़ी बहुत किसी के द्वारा अपमानित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज आपको लाभ भी होगा, किसी के द्वारा हेल्प भी प्राप्त होगी। साथ ही और बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी। आपके मन में प्रेम और प्यार के रोमांस खिलेंगे। जीवन साथी के साथ साथ प्रेम जीवन में खुशियां बरसेंगी। स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा जिनकी है उनके लिए अच्छा रहेगा, विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। साथ ही बता दें कि बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत करेगा। कई बड़े अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। तो इसमें आपको अगर मंगल देव की उपासना करें और इनके उपाय करें, जैसे कि मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो आपको मंगल ग्रह का विशेष लाभ प्राप्त होगा और अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही साथ आप इस दौरान हनुमान जी को मीठा पान का बीरा चढ़ाएं तो विशेष लाभ होगा। तो ये था आप राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 1 जुलाई से 18 अगस्त 2023 तक का राशिफल। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।